हेलो दोस्तों वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफ में तो दोस्तों जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम सेलेबस डिस्कस करेंगे जो कि जेके एस ने अभी रिक्रूटमेंट वन सिविल इंजीनियर्स की निकाली है उसके बारे में हम जो है सेलेबस डिस्कस करेंगे ये इस साल का सेलेबस नहीं है ये पिछली पिछली जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसका सेलेबस है लेकिन आपको जो है इसी तरह का सेलेबस देख देख सकते हैं आप आने वाले दिनों में लेकिन थोड़ी कुछ मॉडिफिकेशन भी हो सकती है मतलब कि मार्ग डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट भी हो सकती है लेकिन सेलेबस आपका यही रहेगा इस रिक्रूटमेंट के लिए भी तो यहाँ पर दस सब्जेक्ट्स इन्होंने पूछने हैं पहला ही है जो वो है सर्वेइंग सर्वेइंग में इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वेइंग प्रिंसिपल्स एंड क्लासिफिकेशन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन चैन सर्वेइंग कंपास लेवलिंग टेक्ोमीटर थियोडोलाइट ट्रेवर सर्वेइंग कंटूरिंग प्लान टेबल सर्विंग एंड कर्व तो इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है आपको मतलब कि पूरी जो सर्विंग की बुक है वो आपको पूरी रटनी है नेक्स्ट आ जाते हैं मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस मैकेनिक्स में भी मैं भी पूछ सकते हैं और स्ट्रक्चरल एनालिसिस जो है उसमें भी पूछा जा सकता है आपसे इसमें पहले यह इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज लॉज ऑफ फोर्सेस मोमेंट फ्रिक्शन सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी सिंपल मशीनज टॉर्शन प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल्स मतलब कि ये जो यहाँ तक है इसमें जो है आपसे पूछा जा सकता है मैकेनिक्स के बारे में ये यहाँ तक पहली दो लाइनें जो है पूरा मैकेनिक्स पे बेस्ड है यहाँ तक प्रॉपर्टीज ऑफ मिटीरियल्स तक अब आ जाते हैं जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस है जो आपका मेन कोर सब्जेक्ट होता है सिविल इंजीनियरिंग में तो उसमें बेंडिंग मोमेंट है शेयर फोर्स है स्टेटिकली डिटर्मिनेट बीम्स सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेशनशिप स्ट्रेस स्ट्रेन बिटवीन टू डायमेंशन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल बेंडिंग थ्योरी फ्लैक्रल एंड शेयर स्ट्रेसेस अनसिमेट्रिकल बेंडिंग शेयर सेंटर थिन वॉल प्रेशर वेसल्स भी आ जाती है इसमें यूनिफॉर्म टॉर्शन बकलिंग ऑफ कॉलम्स कम्बाइनड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एंड ट्रस एनालिसिस भी इसमें आप देख सकते हैं तो ये हुआ यहाँ तक जो है हमारे पास जो मैकेनिकल एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस का पार्ट है तो इसके बाद आ जाते हैं जो मेन पार्ट होता है हमारा आर सी सी आर सी सी में कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी पहले ही है इन्ग्रीडियंट्स ऑफ कॉन्क्रीट वाटर सीमेंट रेशियो वर्केबिलिटी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्क्रीट एडमिक्सचर स्पेशल कॉन्क्रीट नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट बेसिक्स ऑफ मिक्स डिज़ाइन भी आ जाता है कॉन्क्रीट डिज़ाइन एंड बेसिक वर्किंग स्ट्रेस एंड लिमिट स्टेट डिजाइन कॉन्सेप्ट एनालिसिस ऑफ अल्टीमेट लोड थेरी डिजाइन ऑफ मेंबर सब्जेक्ट टू शेयर फ्लैक्जरल एंड कंप्रेशन टॉर्शन बाय लिमिट स्टेट मेथड बेसिक एलिमेंट्स ऑफ प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट भी आ जाता है ये आपको याद रखना होगा कि क्या क्या आ सकता है एनालिसिस ऑफ बीम सेक्शन ट्रांसफर ऑफ सर्विस लोडस भी आ जाता है इसमें और वन वे और टू वे स्लैब भी इसमें आ जाता है लेकिन इसमें जो है एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें जो डिफरेंट कोड्स हम यूज करते हैं किसके लिए कौन सा कोड यूज़ होता है उसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास सॉयल मैकेनिक्स का जो सॉयल मैकेनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर ऑरिजन ऑफ सॉइल्स प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन थ्री फेज सिस्टम ऑफ सॉयल्स फंडामेंटल डेफिनीशनज रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉयल्स मतलब कि परमेबिलिटी वगैरह परमेबिलिटी सीपेज इफेक्टिव स्ट्रेस प्रिंसिपल डिफार्मेशन आफ सॉल कंसॉलिडेशन कम्पैक्शन शेयर स्ट्रेंग कैरेक्टरिस्टिक्स प्लेटलोड टेस्ट एस पी टी स्टैंडार्ड पेंट्रेशन टेस्ट भी आ जाता है डेंसिटी कंट्रोल मेजरमेंट ऑफ द फील्ड डेंसिटी बाई कोर कटर एंड सैंड रिप्लेसमेंट मैथड्स भी आ जाता है सॉइल एक्सप्लोरेशन भी आ जाता है इसमें बियरिंग कैपैसिटी एंड इट्स मैथड्स आ जाता है यह आपको याद रखना है बियरिंग कैपैसिटी एंड इट्स मैथड्स जो है ये बहुत ही छोटा टॉपिक दिया है यहां पर लेकिन इसमें बहुत कुछ पूछा जा सकता है इसके बाद आ जाते हैं हम आगे आगे है फ्लूड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स यहां पर हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मेजरमेंट ऑफ द प्रेशर फ्लो मेजरमेंट्स फ्लो थ्रो पाइप्स फ्लो थ्रो ओपन चैनल्स हाइड्रोलिक पंप्स बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मोमेंटम एनर्जी एंड कॉरस्पांडिंगवेशन पोटेंशियल फ्लो एप्लीकेशन ऑफ मोमेंटम बर्नालीज इक्वेशन भी आ जाती है लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो फ्लो थ्रो पाइप्स पाइप नेटवर्क जो है कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्री लेयर थेरी भी आ जाती है एंड इट्स ग्रोथ यूनिफार्म फ्लो क्रिटिकल फ्लो ग्रेजुअली वेरीड फ्लो जी वी एफ करेक्टरिस्टिक्स इन चैनल्स चैनल फ्लो मतलब कि ओपन चैनल फ्लो भी आ जाएगा स्पेसिफिक एनर्जी कॉन्सेप्ट जो है वो भी आ जाएगा हाइड्रोलिक जंप भी आ जाएगा ये भी ओपन चैनल फ्लो में ही आ जाता है फोर्स फोर्स ऑन इमर्सड बॉडीज़ फ्लो मेजरमेंट्स इन चैनल्स फ्लो मेजरमेंट्स भी आ सकते हैं टैंक्स एंड पाइप्स मतलब कि वो वेंचुरी मीटर वगैरह जो है वीयर्स एंड नॉचेस जो आ जाते हैं उसमें भी कुछ भी पूछा जा सकता है फिर आ जाते हैं डायमेंशनल एनालिसिस एंड हाइड्रोलिक मॉडलिंग काइनमेटिक फ्लो तो इसमें जो है आपको ऑलमोस्ट पूरा ही पूछा जाएगा कुछ भी पूछा जा सकता है इसके बाद जो सिक्स पॉइंट है हमारे पास वो है इरिगेशन इंजीनियरिंग इरिगेशन इंजीनियरिंग में आपको बहुत कुछ पूछा जाएगा इंट्रोडक्शन वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप्स वो हाइड्रोलिक साइकिल भी आ जाएगा डैमज कैनाल डैम कैनाल हेडवर्क्स हेडवर्क्स भी पूछे जाएंगे रेगुलेटरी वर्क्स क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स रिवर ट्रेनिंग वर्क्स, वाटर लॉगिंग भी पूछा जाएगा, ड्रेनेज ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड वेल हाइड्रोलिक्स ये सब पूछा जा सकता है वो जो है डिस्चार्ज थ्रो वेल्स के जो फार्मूले हैं वगैरह वो भी पूछे जा सकते हैं तो आ जाते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग इसके भी पंद्रह मार्क्स रहेंगे आपको हर एक सब्जेक्ट में यहाँ पर पंद्रह मार्क्स दिए हुए हैं ये जो है 2012 में जो रिक्रूटमेंट हुई थी ये उसी का सिलेबस है उसमें हर एक सब्जेक्ट में 15 15 मार्क्स जो है रखे थे इस बार चेंज भी हो सकता है थोड़ा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो सकता है लेकिन जो है सिलेबस ऐसा ही रहेगा आपको तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटर सप्लाई में क्या है वाटर सप्लाई में पहले यह इंट्रोडक्शन क्वालिटी ऑफ वाटर वाटर ट्रीटमेंट कनवेन्स एंड वाट वाटर लग आउट ऑफ़ द पाइप्स, बिल्डिंग वाटर सप्लाई वाटर सप्लाई फिक्सचर्स एंड भी आ जाएगा इसमें मैं सिस्टम सस्टम ऑफ़ द कंसट्रकशन आफ सीवर्स सीवेज मेथड्स ऑफ़ डिस्पोजल ऑफ़ सीवेज ट्रीटमेंट बिल्डिंग डनेज एंड नॉइज पुलूशन एंड नॉइज पोल्यूशन भी आ जाएगा इसमें तो नेक्स्ट हमारे पास एट्थ जो सब्जेक्ट है यहां पर वो है हाईवे इंजीनियरिंग का हाईवे इंजीनियरिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछे जाएंगे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द हाईवेज प्लानिंग डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म्स यूज इन हाईवे इंजीनियरिंग मतलब कि वो जो पहला ही टॉपिक है पहले ही टॉपिक है जिसमें आपके आ जाते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आ जाता है या फिर आपके जो है डिफरेंट मेथड्स आ जाते हैं एक्सीडेंटल एनालिसिस आ जाती है वो सब कुछ पूछा जाएगा कर्व्स जा, जो आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व्स एंड वर्टिकल कर्व्स उसमें भी पूछा जा सकता है आपको मेथड्स ऑफ द रोड कंस्ट्रक्शन आई आर सी क्लासिफिकेशन हाईवे एंड सर्वे प्लान जियोमेट्रिक डिज़ाइन जियोमेट्रिक डिज़ाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रोड मटीरियल यूजड इन बाइंडर्स पेमेंट सी बी आर मैथड सी बी आर जो टेस्ट है हमारे पास उसका भी सब ग्रेड प्रिपरेशन भी आ, आ सकता है डब्ल्यू बी एम वाटर बाउंड मैकेट वाटर बाउंड मैकेडम एंड डब्ल्यू एम एम भी पूछा जा सकता है बिटमिनस मैकेडम डेनस बिटमिनस मैकेडम एंड स्पेशल प्रॉब्लम्स इन हिल रोड्स भी पूछा जा सकता है आपसे तो आ जाते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट जो है नाइन्थ सब्जेक्ट है हमारे पास इसमें भी फिफ्टीन मार्क्स है हर एक सब्जेक्ट में फिफ्टीन मार्क्स यहाँ पर दिए हुए हैं ये आपको याद रखना है इसमें आ जाता है रेलवे इंजीनियरिंग रेलवे इंजीनियरिंग में हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज गाज यूज जो डिफरेंट गाजेज है हमारे पास स्टैंडार्ड गाज मीटर गाज वगैरह उसमें भी पूछा जा, जा सकता है परमानेंट वे वे ऑफ इट्स कंपोनेंट्स टाइप्स ऑफ रेल क्रीप वेल्डिंग रेलवे फिक्सचर्स फास्टनिंग्स एंड सिग्नलिंग पॉइंट्स ऑफ क्रॉसिंग ब्रिज टर्मिनोलॉजी क्लासिफिकेशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ द फाउंडेशन ये भी आपसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इस इसमें कंफ्यूजन रहता है बहुत सिविल इंजीनियर्स को कि इसमें पूछा जाएगा कुछ या नहीं तो यहां पर आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन प्लानिंग और मैनेजमेंट में भी पूछा जाता है फिफ्टीन मार्क वो भी फिफ्टीन मार्क्स का पूछा जाता है पूरा नेटवर्क डायग्राम्स पर्ट सी पी एम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स टेंडर्स डेप्रिसिएशन वैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट बुक कैश बुक फंक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्लानिंग क्वालिटी कंट्रोल इन्वेंट्री कंट्रोल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, डेफिनेशन मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन एंड टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स मतलब कि ये जो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है इसमें आपका एस्टिमेशन भी आ जाता है सी जो है पर सी हम पढ़ते हैं उसमें कुछ कुछ आगे वाले टॉपिक्स पढ़ते हैं लेकिन यह जो नीचे वाला पोर्शन पूरा दिया हुआ है ये जो है यह एस्टिमेशन एंड का पूरा पार्ट है यहाँ पर मतलब कि कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट और जो हमारे पास एस्टिमेशन होता है तो उसमें पूरा पंद्रह मार्क्स का पूछा जाएगा तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए वीडियो को और अगर आपको इस सिविल इंजीनियरिंग रिक्रूटमेंट के लिए वीडियोस देखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हम वीडियो लेक्चर्स का भी इंतजाम आपके लिए करेंगे थैंक यू दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो